हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वेल्थ कॉमर्स बीके लेक्चर। वी आर इनटू चैप्टर नंबर 7, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड करंटली वी आर लर्निंग जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द फोर्थ कैटेगरी व्हिच इज बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। सो आवर पर्टिकुलर टॉपिक इज व्हेन bill is sent to bank for collection, when bill is sent to bank for collection। अब इससे क्या समझ में आता है, हमारा जो बिल है हम बैंक के पास भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए। इसके पहले हमने 3 कैटेगरीज देखी। फर्स्ट वन, when bill is retained। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, अपने पास रखना। तो जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने अपने पास रखा, ही कैप्ट द बिल विथ हिम इटसेल्फ। जो भी वेटिंग पीरियड था, वो पूरे वेटिंग पीरियड में बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, मींस वी टुक मनी, we took money from bank। bank से हमने पैसे ले लिए और वो बिल बैंक को दे दिया। next, bill is endorsed। so deliberately हमने क्या कर दिया, हमने ये बिल किसी और को दे दिया। bill is delivered to third party। क्यों दे दिया, as consideration और as payment। हमें उसे कुछ payment करना था, instead of cash हमने उसको bill से payment कर दिया। ठीक है, now when bill is sent to bank for collection, तो समझिए कि हम जो कि ड्रॉवर हैं, ड्रॉवर के पास सिंगल बिल नहीं होता, डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए वो अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कराता है। तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर जो ड्रॉवर है उसके पास हंड्रेड्स ऑफ बिल पड़े होंगे। अब ये हंड्रेड्स ऑफ बिल को संभाल के रखना, सेफ रखना, फिर उसका ड्यू डेट चेक करना, फिर जाकर के जो डेटर है या ड्रॉवी है उससे पैसे लेना, ये बहुत हैक्टिक काम है। डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये सारे काम मैं करूं, इससे अच्छा मैं ये काम किसको दे देता हूं, बैंक को। I will send all my 100 bills to the bank। और बैंक को बोलूंगा मेरे बिहाफ में आप ये बिल का ड्यू डेट चेक करो, इसको सेफ रखो और टाइमली बेसिस पे डेटर के पास जाओ, ड्रॉई के पास जाओ और अमाउंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना। कहाँ डाल देना, इन माई अकाउंट। तो यहां पर हम बैंक को एज अ एजेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, जो पैसा कलेक्ट करेगा और हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। समझ में आ रहा है, तो बैंक क्या करेगी, हमारे अकाउंट में जो भी बिल का पैसा मिलता है वो डाल देगी। इसके बदले में बैंक क्या ले सकती है, बैंक इसके बदले में ले सकती है बैंक चार्जेस। उसने ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड की है, इसके बदले में क्या ले सकती है, बैंक चार्जेस। गेटिंग इट एवरीवन। तो यही है व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर हमने बिल बैंक को दिया तो क्या इफेक्ट उसका आएगा, यही हमें इसमें देखना है। तो आप सिचुएशन को सबसे पहले समझिए। यहां पर पहला केस क्या हो रहा है, आपके पास जो बिल आपने रिटेन करके रखा था, ये हो सकता है सिंगल बिल हो या बिल का बंच हो, जो आप किसको दे रहे हैं, बैंक को। सो व्हाट यू विल डू,
you will write first journal entry. Number one, when bill is sent to bank for collection. तो इतना पूरा लिखने की जगह हम क्या करेंगे, we will use only bank for collection account. क्या यूज करने वाले हैं, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी, जब आप ये बिल बैंक को दे रहे हो तो बिल आपके पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन के पास. सो यू विल राइट बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट to bills receivable account. And in the narration, what you will write? You will write being bill sent to bank for collection dishonored. ठीक है, इस तरीके से आपकी पहली जर्नल एंट्री आएगी जब आपने अपना बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया. अभी इसी केस में सेकेंड वर्ड, ये जो बिल आपने दिया था फॉर एग्जाम्पल 60 डेज का था, तो 60 डेज के बाद बैंक किसके पास जाएगी, ड्रॉवी के पास, और बिल क्या हो जाएगा, ऑनर. तो व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन गेट ऑनर्ड, वो बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, उसका पैसा मिल गया. अब पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, और बैंक वो पैसा क्या करेगी, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी. हेंस वी विल राइट ओवर हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने बिल ऑनर कर दिया, क्या कर दिया, ऑनर कर दिया. तो अगर इसके अंदर कोई बैंक चार्जेस भी होता तो उसे भी हमें डेबिट करना पड़ता. ठीक है, लाइक बिल is honored and bank charges paid. अगर इस तरीके से होता तो हम bank charges को भी क्या करते थे, as a expense debit करते थे. तो हमारी एंट्री हो जाती थी बैंक अकाउंट डेबिट, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 5000 रुपीस, देन बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. यहां पर टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा,
5,500 लाइक दिस। तो यहां पर आपका बैंक चार्जेस क्या हो गया, डेबिट हो गया अगर आपको बैंक चार्जेस दिया है तो। थर्ड वन, अभी हमने ऑनर देखा, अब हम देखेंगे डिसऑनर। व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। ऐसा केस हो गया तो डिसऑनर में हमारी एक ही एंट्री होती है, क्या होती है, ड्रॉबी टू होल्डर। जो भी ड्रॉबी रहेगा, ड्रॉबीज अकाउंट डेबिट टू होल्डर। होल्डर इसमें कौन है बताइए, होल्डर इसमें है विल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो जो होल्डर है उसको हम यहां पर इंडिकेट कर देंगे। सो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू होल्डर्स अकाउंट। ओके, सो लेट्स चेक वन बाय वन। व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सो हमारा जो कैरेक्टर है खड़क सिंह एंड श्याम, खड़क सिंह इज सेलर जिसने 5,000 रुपीज का गुड सेल किया है, और श्याम बायर है जिसने गुड्स परचेस किया है। दोनों के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, सेलर के बुक में क्या एंट्री आएगी, पहली एंट्री आएगी सेल्स की, दैट इज ड्रॉवर ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी। बिल एक्सेप्टेंस की सिंपल एंट्री क्या होती है बोलिए, यहाँ पर बिल एक्सेप्ट करेगा श्याम और बिल चला जाएगा खड़क सिंह के पास। तो हमारे पास बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अभी हम अपना बिल बैंक को देंगे, किसको देंगे, बैंक को कलेक्ट करने के लिए देंगे। तो हमने बिल अपना बैंक को दे दिया, तो हमारे लिए एंट्री आ गई बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हमारे लिए जनरल एंट्री आ गई। नेक्स्ट बैंक बिल ऑनर होगा तो उस समय शाम को बिल देगा और शाम बैंक को पैसे देगा। बैंक ये पैसे अपने पास नहीं रखेगा, बैंक ये पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो हमारे लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, इसी इफेक्ट को देखने से पहले हम लोग ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना, अगर हमें ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करनी होती तो हम कैसे एंट्री पास करते, इंस्टेड ऑफ सेल हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, यहां पर परचेस की, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो परचेस की एंट्री क्या होती थी बोलिए, परचेस की एंट्री होती थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ये एंट्री नंबर वन हो जाती थी ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, जब बिल एक्सेप्ट होता था तो बिल जा रहा है किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर के पास जा रहा है। तो सेकेंड एंट्री नंबर टू क्या एंट्री पास करते थे हम लोग, सेकेंड यहां पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल जा रहा है, ठीक है। नंबर थ्री बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉवी की बुक में क्या इफेक्ट होगा, ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री क्योंकि हम पिक्चर में है ही नहीं, हम पिक्चर में है ही नहीं। नंबर फोर सिंपल पेमेंट,
बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, और ऑनर हो गया तो फिर क्या एंट्री होती है, हम पैसे दे रहे हैं, बिल आ रहा है, सिंपली बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री किसके बुक में मिलेगी, ड्रॉवी के बुक में, एंट्री नंबर वन फॉर दी परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, नंबर टू बिल एक्सेप्टेंस, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, नंबर थ्री बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, नो एंट्री क्योंकि हम पिक्चर में नहीं है, नंबर फोर हम पेमेंट कर रहे हैं, बिल मिल रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट जर्नल एंट्री, कभी कभी बिल को रिन्यू करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रिन्यू, रिन्यू का मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉवर हूं, मैंने कोई बिल प्रिपेयर करवाया और ड्रॉवी से साइन करवाया फॉर द पीरियड ऑफ 3 months, बट जो हमारा ड्रॉवी है उसको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से वो अवगत हुआ आफ्टर अ मंथ और टू कि शायद ये बिल का पेमेंट मैं कर पाऊंगा नहीं, शायद क्या कंफर्म मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जहां से मुझे पैसा आने वाला था नहीं आया, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में हो सकता है जो पर्टिकुलर ड्रॉवी है वो ड्रॉवर को अप्रोच करे और बोले कि मैं ये जो बिल है उसका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये बिल को कैंसिल करके आप नया बिल बनाओ। अब इस प्रोसीजर में दो तीन चीजें हो सकती है, पहला ड्रॉवी हो सकता है कुछ पार्ट पेमेंट करे और बाकी के लिए बिल बनवाए, या ये भी हो सकता है कि कोई पार्ट पेमेंट ना करे और पूरे का पूरा नया बिल बनाए। दूसरी चीज, जितना वो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मांगेगा उसके लिए हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब यहाँ पर हम कैंसिल करने की बात करें, तो 10,000 रुपए का बिल था और ड्रॉवी हमारे पास आया बोला कि मैं ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन उसको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने की एंट्री क्या है, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर। अच्छा, ड्रॉवी टू होल्डर होता है, ठीक है, तो केस नंबर वन होगा तो क्या होगा, जहां पर बिल रिटेन हुआ है, बिल अगर रिटेन्ड है तो ड्रॉवी टू होल्डर का मतलब क्या होगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल लिखना है आपको, क्योंकि वहां पर होल्डर तो हम खुद ही है और हमारे बुक में हमारा नाम आ सकता नहीं है। सेकंड, बिल अगर डिस्काउंटेड है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, डिस्काउंटेड है तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि बैंक यहां पर होल्डर है ना, तो ये होल्डर हमको समझना है कि होल्डर की जगह पे हम क्या लिखे, सी, सी में क्या हुआ था, बिल इज एंडोर्स्ड, अगर बिल एंडोर्स किया हुआ है तो यहां पर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी आ जाएगा, और लास्ट में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, शॉर्ट में मैं लिखता हूं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगर ऐसा है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर होल्डर का मतलब क्या हो जाता है, चार केसेस है, फर्स्ट केस में रिटेन हुआ तो यहां पर क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, सेकेंड केस में होल्डर कौन है, बैंक, थर्ड केस में होल्डर कौन है, एंडोर्सी, एंड फोर्थ केस में होल्डर कौन है, बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहां पर होल्डर को इस तरीके से आपको समझना है, गेटिंग इट। नेक्स्ट, दूसरी बात आ जाती है पार्ट पेमेंट की, अगर ड्रॉवी हमको बोलता है कि सर मैं 10,000 में से 3,000 देने के लिए अभी रेडी हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है बहुत अच्छी बात है 3,000 दे दीजिए, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहां पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, ठीक है ना, 3,000 रुपए मिल गए, पैसे आ गए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज मतलब यहाँ पर अगर ड्रॉवी मुझे बोलता है कि और एक महीना बढ़ा करके दीजिए या जो भी पीरियड इंक्रीज करके दीजिए, नया बिल बनाइए, तो जो इंक्रीज्ड पीरियड है ना, इंक्रीज्ड पीरियड कितने अमाउंट के बिल के लिए है? 7000, क्योंकि आउट ऑफ 10000 3000 तो पे हो चुका है ना। 10000 का जो पेमेंट बाकी था उसमें से 3000 पे हो चुका है, नाउ रिमेनिंग पेमेंट इज 7000 और इस 7000 के पेमेंट के लिए मुझे और वेट करना है। तो ये जो मुझे वेट करना है इसके लिए मैं क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। और मैं जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम है इसलिए क्या हुआ, क्रेडिट साइड में गया, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर मी, और ड्रॉवी से कलेक्ट करना है, हेंस ड्रॉवी इज डेबिटेड, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। गेटिंग इट? ये थर्ड था इंटरेस्ट चार्ज का। और इसके बाद नया बिल ड्रॉ होगा, तो नया बिल का जो अमाउंट होगा उसमें क्या क्या होगा? उसमें बैलेंस अमाउंट होगा 7000 प्लस 200 इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया 7200। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट न्यू डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ये न्यू हमारे समझने के लिए है और एग्जामिनर के समझने के लिए भी है कि आपको ये पता है कि ये न्यू बिल का एंट्री हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस तरीके से चार जर्नल एंट्रीज हमको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर पास कर। नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक में ऐसे ही एंट्री सबसे पहले कौन सी होगी? कैंसलेशन की। कैंसलेशन के सिंपल जर्नल एंट्री क्या होने वाली? डिसऑनर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है? ड्रॉवर के पास से आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट पेमेंट, अगर हम कोई पार्ट पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 10,000 में से 3,000 का पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, पैसे गए कहां गए? ड्रॉवर के पास गए। नंबर थ्री इंटरेस्ट चार्ज, यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर है, हेंस वी हैव डेबिटेड इट, इसको डेबिट किया बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवर को पे करना है हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन, दैट इज ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हमें ड्रॉवी के बुक में पास करनी। So in front of us we have illustration number one, that is when the bill is honored, ठीक है, honor of a bill under different circumstances. तो हमको यहाँ पर four cases दिए हुए हैं, case number one, case number two, case number three, case number four. So let us start. Akash drew a bill on Deepak. जब हम ये sentence पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद आपके mind में सबसे पहले ये decision आना चाहिए, who is drawer and who is drawee. ठीक है ना, तो आप पेंसिल से अपने बुक में मार्क करेंगे आकाश, कौन है आकाश? आकाश बिल ड्रॉ कर रहा है, तो ये हो गया ड्रॉवर। एंड दीपक, हु इज दीपक? दीपक इज ड्रॉवी। तो पेंसिल से आप अपने टेक्स्ट बुक में इसे इस तरीके से मार्क कर देंगे पहले से। बिल का अमाउंट क्या है? बिल का अमाउंट है 25,000 ऑन 23rd December 2019 फॉर 3 months period. अब इस बात को आप ध्यान रखिए, it is for 3 months period. Okay? Deepak accepted the same and returned it to Akash on the due date. Bill was duly honored. Bill honor हो चुका है। अब case number one, if Akash retained the bill till maturity. तो देखो case कोई भी होने दो, starting का जो जर्नल एंट्री है दैट विल रिमेन सेम। तो पहला एंट्री कौन सा आएगा? बिल इज एक्सेप्टेड बाय दीपक, बिल इज एक्सेप्टेड बाय दीपक। सो इन द बुक्स ऑफ आकाश, आकाश के बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? आई विल राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकाश। ठीक है ना, आकाश को मैं यहां पर ए लिखता हूं, जो कि कौन है? ड्रॉवर। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर पहला इफेक्ट क्या होगा? बिल एक्सेप्ट होके हमारे पास आ रहा है, वी आर रिसीविंग द बिल, तो हमारे लिए फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 25,000 to what you will write to
अब क्या होगा यहाँ पर, आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉवी इज अकाउंट, हु इज ड्रॉवी, दीपक, ठीक है ना, दीपक इज ड्रॉवी, सो दीपक्स अकाउंट अमाउंट 25,000. देन यू विल राइट जर्नल एंट्री बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बाय मिस्टर दीपक फॉर 3 months, ठीक है ना, ऐसे आपको इसका नरेशन लिखना पड़ेगा. गेटिंग इट, ये जर्नल एंट्री फिक्स हो गई. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सीन ऐसा हो गया, केस नंबर ए, तो हम यहां पर लिखेंगे ए, केस नंबर ए, ए क्या है, आकाश रिटेन्ड द बिल टिल मैच्योरिटी, और बाद में ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, पैसा मिला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, और बिल गया टू बिल्स रिसीवेबल 25,000 बीइंग रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, तो ये केस ए हो गया. तो इसकी झलक आप यहां पर देख सकते हैं, आप देखिए, सबसे पहले बिल को एक्सेप्ट किया गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक्स अकाउंट, और दूसरा बिल ऑनर हो गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जैसा कि हमने सोचा था. गेटिंग इट एवरीवन, नाउ केस बी, केस बी देखिए, केस बी में क्या हो गया, इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, अब आकाश ने बिल लेने के बाद बिल को डिस्काउंट करा दिया, तो केस बी है. तो अगर बिल डिस्काउंट हुआ तो बी का वन, पहले आपको कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब ये वाला तो कॉमन है, दिस पर्टिकुलर एंट्री इज कॉमन, ठीक है, इसके बाद आप केस बी में वन पहला एंट्री क्या करेंगे, आप डिस्काउंटिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, डिस्काउंटिंग. अब डिस्काउंटिंग करने का मतलब क्या हो गया, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंटिंग में आपके पास पैसा आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, फिर डिस्काउंट चार्ज किया जाता है, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, आपको क्या देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, किसको आप बिल दे रहे हो, आप बिल दे रहे हो बैंक को, बराबर, तो टू बिल्स रिसीवेबल. अब बिल था कितने का, बिल था 25,000 का. अब यहां पर बात आती है कि बैंक क्या रेट चार्ज कर रही है, तो ध्यान दीजिए यहां पर, आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 6% पर एनम ऑन द सेम डेट. अब मुझे बताइए बिल कितने मंथ का था, 3 months का था, सो 25,000 का बिल, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कटेगा, या मैं बोल सकता हूं डिस्काउंट कटेगा, बट ओनली फॉर 3 months, सो डिवाइड बाय 12, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3/12. आई होप यू गॉट इट. ये 6% क्या है, ये डिस्काउंटिंग रेट है. ये 3 क्या है, ये 3 months का वेटिंग पीरियड जो बैंक वेट करेगा, ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेट कीजिए, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 3s are 6, 2 2s are 4, और यहां से 2 से भी डिडक्ट करेंगे तो 25,000 की जगह यहां आ जाएगा 12,500, एंड 12,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 0 कैंसल बाय दिस 0, व्हाट यू विल गेट, 125 × 3, 375 रुपीज, ठीक है, चेक कीजिए, 25,000 को आपने सबसे पहले क्या किया, 6% निकाल लिया, एंड देन उसका इंटू 3 डिवाइड बाय 12, सो इट विल गिव यू 375. अब आपको करना क्या है, 375 माइनस 25,000, सो आंसर मिलेगा 24,625. ये अमाउंट आपको हाथ में देगी बैंक, मतलब बैंक से आपको पैसा मिलेगा 24,625,
और बैंक चार्जेस मतलब दैट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट डिडक्ट करेगी 375 और आपने पूरा बिल दे दिया 25,000 का। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री हमने पास किया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैंक से हमको पैसा मिल गया है 24,625, डिस्काउंट 375 और बिल जो हमारे पास से गया है वो है 25,000 का। सो वी हैव कंप्लीटेड विथ पार्ट बी, केस बी हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वन है केस सी। केस सी में क्या हुआ, इफ आकाश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23rd December 2019, कब भेजा, 23rd December 2019 को आकाश ने बिल बैंक के पास भेजा, ठीक है, और बिल बाद में क्या हो गया, ऑनर हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑनर का हमने दूसरा इफेक्ट नहीं देखा, तो यहाँ पर अगर सेकेंड इफेक्ट ऑनर का हुआ होता, डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर, तो उसमें क्या आता था, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि बैंक जाता था पैसा कलेक्ट करने के लिए, हमारे पास कोई एंट्री नहीं होती, बराबर है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं केस सी। वाला केस क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23rd December 2019। तो सी वाले केस में नंबर वन जनरल एंट्री क्या पास करेंगे आप, सबसे पहले आपको बिल भेजना पड़ेगा, है ना। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट अमाउंट 25,000 टू, क्या लिखेंगे बोलिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल गया 25,000 बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नंबर टू जब वो क्या होगा, ऑनर होगा, ऑनर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें बैंक चार्जेस के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं लिखेंगे, 25,000 पूरा पैसा मिल गया टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अमाउंट 25,000, ठीक है। तो आइए देखते हैं सी वाला। तो फर्स्ट एंट्री बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल और बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। नाउ लास्ट वन दैट इज डी। डी क्या कहता है, इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन, बिल एंडोर्स हो रहा है तो डी का वन क्या कहेगा, बिल जा रहा है किसके पास जा रहा है, वीरेन के पास, तो डेबिट द रिसीवर वीरेन्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। ये हमने वीरेन को पेमेंट कर दिया थ्रू बिल, ठीक है। नेक्स्ट बिल अगर ऑनर होगा तो पैसा लेने कौन जाएगा, वीरेन जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, हम पिक्चर में नहीं आएंगे, तो हमारे बुक में क्या होगी, नो एंट्री, ठीक है। तो देखिए लास्ट में डी का क्या इफेक्ट आता है, यहां पर देखिए वीरेन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उन्होंने इसकी आगे की एंट्री नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि बिल ऑनर हो गया और ऑनर होने के समय हम वहां पर पिक्चर में नहीं थे, ठीक है। तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ आकाश देखा। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ दीपक, दीपक के बुक में क्या एंट्री होती है। तो हर एक केस को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर बिल क्या हुआ है, बिल इज रिटेन, है ना। तो पहले इफेक्ट आपका बिल एक्सेप्टेंस का होगा। तो यहां पर देखिए आप दीपक के बुक में, इन द बुक्स ऑफ दीपक सबसे पहले आपको क्या करना है, आकाश अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेबल, ये हमने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, और दूसरा बिल पे होने का यही इफेक्ट सारे कंडीशन में रहेगा, चाहे वो बिल रिटेन किया हो, चाहे बिल डिस्काउंट किया हो, चाहे बिल एंडोर्स किया है, या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए हो, सब जगह पर हमें सिर्फ बिल लेना है और कैश देना है, ठीक है ना। तो ये दो ही एंट्री आएगी इन द केस ऑफ दीपक्स बुक। तो ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हमने यहां पर फिनिश किया। तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।